सिनाली इंडिया की सबसे रिमार्केबल ह्यूमन एक्सकेवेशन साइट, जिसने दुनिया के सभी आर्कियोलॉजिस्ट को दोबारा इंडिया की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अभी तक इंडिया से सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही रिलेट किया जाता था, जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। लेकिन 2005 में इसी के पैरेलल टाइम में एक और सिविलाइजेशन के होने का सबूत मिला, जो कि इनसे काफ़ी अलग थी। इस पूरी डिस्कवरी की शुरुआत दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर यूपी के एक सिनौली गांव से होती है, जहां फार्मर्स को खेती करते टाइम तांबे के बर्तन मिलते हैं। और जब ये खबर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिलती है, तो वो तुरंत एक्शन में आके पूरी साइट को अपने अंडर ले लेते हैं। ASI इसके बाद एक्सकेवेशन का काम शुरू कर देती है और देखते ही देखते ASI को टोटल 116 बरियल साइट मिलती है, जिनसे बहुत सारे कॉपर होल्डिंग्स, ह्यूमन रिमेन्स और काफ़ी टाइप की वेपनरी भी मिलती है, जो कि एक नए एडवांस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की तरफ इशारा करती है, जिसे सिनौली का नाम दिया गया। सिनौली में जो भी हमें रिमेन्स मिले वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, क्योंकि उन कॉफिन में बाहर से कॉपर की कोटिंग थी, जिसकी वजह से वो आसानी से डीकम्पोज नहीं हुए। शुरू में तो सिनौली को इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जोड़ा जा रहा था, जिसमें हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल जैसी साइट थी जो कि 5000 साल पुरानी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अपने टाइम से बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी, अपनी अच्छी सिटी प्लानिंग, हस्तकला और सीवेज सिस्टम की वजह से। लेकिन 1900 से 1500 BC के बीच ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई और गंगा यमुना द्वाब की तरफ माइग्रेट कर गई, जहाँ सिनौली के रिमेन्स मिले हैं। और इसीलिए सिनौली की सिविलाइजेशन को लेट हरप्पन सिविलाइजेशन से भी जोड़ा जाने लगा। सिनौली में धीरे धीरे काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिलने लगी, जिनमें से एक थी एंटीना सॉल्ट, जिसे शुरू में सिंबॉलिक माना जा रहा था, क्योंकि बिना हैंडल के उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उसका हैंडल मिला तो ये बात एज्यूम की गई कि सिनौली के लोग वॉरियर्स रहे होंगे। बाद में वहाँ शील्ड भी मिली और वुमेन बरियर्स के पास बो एंड एरोज भी मिले, जिससे ये कंक्लूड किया गया कि उस टाइम वुमेन भी फाइट में हिस्सा लेती होगी। मेसोपोटामिया और एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन को एक एडवांस वॉरियर सिविलाइजेशन माना जाता था, सॉर्ड, शील्ड और चैरियट की फाइंडिंग की वजह से। लेकिन अब इस कैटेगरी में सिनौली की सिविलाइजेशन भी फिट हो गई, क्योंकि एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ मिला इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला रथ। इस वजह से ये क्लेम भी डीबंक हो जाता है कि इंडिया में चैरियट बहुत बाद में आर्यन इन्वेडर ने इंट्रोड्यूस किया। ये चैरियट एक लाइट वेट चैरियट था, जिसे पॉसिबली वॉरफेयर में यूज़ किया जाता होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बुल्स और बफेलोस के रिमेन्स तो मिले, लेकिन कभी भी घोड़े के नहीं मिले। लेकिन सिनौली के चैरियट के स्ट्रक्चर और हाइट को देख के ये कंक्लूड किया गया कि उसको घोड़े ही खींचते होंगे। इस फाइंडिंग से आर्यन थ्योरी भी डीबंग होती है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में हॉर्सेज, चैरियट और मॉडर्न वेपन को फॉरेन इन्वेडर्स ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि काफ़ी टाइम बाद इंडिया आए थे। बरियल नंबर 6 में जो कॉफिन मिला, वो बाकी साइट पर मिले कॉफिन से एकदम अलग था। एग्जामिनेशन में पता लगा कि इसे काफ़ी ऑर्नामेंट से इंग्रेव किया होगा, और इसी कॉफिन के साथ वहाँ दो चैरियट, सीड और सॉर्ड भी मिले। इन सब फाइंडिंग से कंक्लूड किया गया कि ये बरियल किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की होगी, जैसे कि कोई लीडर या चीफ, मतलब उस टाइम पे भी हायरार्की प्रैक्टिस की जाती थी। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि सिनौली के रिमेन्स और आर्टिफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन जितने ही पुराने थे, और सिनौली में मिले हारपून्स, एंटीना सॉर्ड, आर्टिफैक्ट्स और ब्रिक साइज ये इशारा करते हैं कि ये सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत अलग थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ही नॉर्दर्न इंडिया में पैरेलली कोएग्जिस्ट कर रही थी। DNA टेस्ट से ये पक्का हो गया था कि सिनौली के लोग आर्यंस नहीं हो सकते, क्योंकि इनका DNA सेंट्रल एशियन या यूरोपियन लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलता। मतलब सिनौली के लोग इन्वेडर्स नहीं थे, और इन्होंने ही आगे जाके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वैदिक एरा की शुरुआत की। For more interesting videos like this, please watch this playlist. And if you want to see more of this content in future, please subscribe the channel and press the bell icon so that whenever we drop a new video, you'll get notified every single time.